हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TCTD Predictions YouTube चैनल में। दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग का मैच नंबर 32 आज शाम 9:30 बजे से इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच खेला जाएगा। वेल टेबल देखा जाए तो दोनों ही टेबल में तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम हैं TCTD Predictions, टेलीग्राम के दुनिया के सबसे बेस्ट क्रिकेट एनालिस्ट टिपिंग चैनल। पिछले 6 सालों से हम अपने पंटरों को सबसे बेस्ट काम देते आ रहे हैं। लॉस कट, बुक सेट और सेशंस या मैच विनर, हम हैं सबसे आगे और सबसे सटीक। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक पे वापस आते हैं और बात करते हैं इस मैच के वेन्यू और पिच के बारे में। तो यह मैच कराची क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और यह स्टेडियम बैटर्स के लिए ज्यादा फेवरेबल है। तो जिस टीम में ज्यादा अच्छे बैटर्स हैं, उस टीम को मदद मिलने के चांसेस भी ज्यादा है। वेदर रिपोर्ट देखें तो इस मैच में 0% बारिश होने की संभावना है। बात करें दोनों टीम्स के हेड टू हेड मुकाबलों के बारे में, तो अभी तक टोटल 19 T20 मैचेस इन दोनों टीम्स ने आपस में खेल रखे हैं, जिसमें से 9 मैचों को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता है और 9 क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने। तो यहां पर दोनों ही बराबर पे हैं। दोस्तों, दोनों टीम्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्रोबेबल प्लेइंग 11 आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी और इनमें स्टार लगे खिलाड़ी इनके इम्पोर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। वहीं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 भी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी और इनमें भी स्टार लगे खिलाड़ी इनके इम्पोर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। और वहीं बेस्ट कैप्टन की बात करी जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के शदाब खान थोड़े बेहतर कप्तान नजर आ रहे हैं। ओवरव्यू की बात करें तो यहां पर एक तरफ है इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो टेबल में अपने अच्छे परफॉर्मेंस के दम पर तीसरे नंबर पर बैठे हैं, और दूसरी तरफ बीच मजदार में से हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स, जो टेबल में चौथे नंबर पर बैठे हैं। तो यह मुकाबला इन दोनों के बीच काफी टक्कर का हो सकता है। अब बात करें विनर की, तो हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स को ही इस मैच का विनर मानकर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए लेते हैं अलविदा। मिलेंगे कल एक नए मैच और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने लोगों का ख्याल रखें।